नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में भैया, जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों ये एक सजेस्टेड वीडियो है, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले से हमें रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप एक वीडियो बनाइए बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने हमसे ये पूछा था कि सर आप डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताइए और साथ के साथ में कैलकुलेट करके भी बताइए कि कितने रुपये जमा कराने पर कितना पैसा आप हमें मिलेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से। तो दोस्तों लीजिए, पेश है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो, जहां पे मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में भी बताऊंगा, सारी की सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो सभी बैंकों के पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह यहां पे भी आपको जो टेनवर देखने को मिलता है वो 15 सालों का देखने को मिलता है, जिसे 5-5 साल के अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों यहाँ पर फिक्स्ड क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको देता है, जो कि हर 3 महीने के अंदर फिक्स रहता है, हर 3 महीने के अंदर चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, कई लोग ये पूछते हैं कि सर अकाउंट कौन कौन लोग ओपन कर सकते हैं, तो दोस्तों NRIs इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, HUF इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, रेस्ट ऑफ ऑल इंडियन कैन ओपन दिस अकाउंट। साथ के साथ में माइनर्स के लिए भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अगर आपका कोई बेटा है या बेटी है तो उसके लिए उसके नाम पे भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जॉइंट अकाउंट, जी हां दोस्तों जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कभी भी जॉइंट नहीं खोला जा सकता, लेकिन हां अपनी स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए आप अलग से कोई अकाउंट ओपन करना चाहें पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है, तो वो होता है भैया 500 रुपए का। यहाँ पे दूसरे बैंकों की तरह 500 रुपये बैंक ऑफ इंडिया भी आपको एक्सेसिबिलिटी देता है कि 500 रुपये से मिनिमम आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नॉमिनेशन की फैसिलिटी, जी हाँ दोस्तों नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, और साथ के साथ में अकाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात ये निकल के आती है कि भैया किस प्रकार के दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आपको एक ID प्रूफ, एक रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए होगा, और साथ के साथ में पासपोर्ट साइज फोटो और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको चाहिए होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है। इसी के अलावा दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूं, तो यहां पे अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको, 90% लिमिट आपको मिल जाती है OD की, जो कि लोन है आपका। अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पे 90% लोन ले सकते हैं OD लिमिट पे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं अकाउंट ट्रांसफर, जॉब के चलते, बिजनेस के चलते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी भी अगर आपको जाना होता है तो आप वहां पे लोन भी ले सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पे इंटरेस्ट की, जो 7.9% का रहता है, हर बार मैं आपको बताता हूं, ये इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि ये चेंज होता रहता है हर 3 महीने के अंदर, और प्रिडिक्शन ये लगाई जा रही है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है 2020 के बजट सत्र के बाद। तो चलिए दोस्तों ये तो है सारी की सारी चीज़ें, जहां से आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करेंगे वो है बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से शहर से हैं, और कौन से शहर में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मैं लेकर के चलता हूं आपको एक कैलकुलेटर पे, जहां पे मैं आपको सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना पैसा जमा कराने पे कितना पैसा आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ से मिल सकता है। तो दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूं आपको एक कैलकुलेटर पे। लेट सपोज दोस्तों यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप 1000 रुपये महीना जमा कराते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, जिसके ऊपर 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। मैं इसको कर देता हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों टोटल जो मैच्योरिटी 15 सालों के अंदर आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी
3,37,135 रुपये, टोटल डिपॉजिट आपने किया 1,80,000 रुपये, जिसके ऊपर 1,57,135 रुपये और 7 पैसे की आपको मेच्योरिटी मिल गई है, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप 10,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा कराते हैं हर महीने, तो यहाँ पर आपकी जो मेच्योरिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, जो मेच्योरिटी आपकी हो जाएगी 15 साल के अंदर, वो हो जाएगी 33,71,350 रुपये और 59 पैसे की। और इसी तरीके से 18 लाख रुपये आपने टोटल जमा कराया, जिसके ऊपर 15,71,350 रुपये का आपको मिल गया है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से दोस्तों एक्सटेंड का पीरियड अगर आप देखते हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं 15 और सालों के लिए, 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी और मिलती है, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, विद डिपॉजिट करना चाहते हैं, विदाउट डिपॉजिट करना चाहते हैं, यानी कि जो 10,000 रुपये आप हर महीने दे रहे थे 15 सालों तक, वो पैसा आप दोबारा से कंटिन्यू रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ये आपका ऑप्शन है। दोस्तों मैं विद डिपॉजिट करना चाहता हूँ और यहाँ पर 10,000 रुपये मैं दोबारा से हर महीने जमा करा रहा हूं यहां पे, इसी जगह पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो मेरी मैच्योरिटी आप देख रहे हैं दोस्तों 1 CR से क्रॉस कर चुकी है, जो कि 1,39,18,263 रुपए की हो गई है। टोटल डिपॉजिट मैंने कितना कराया, 51,71,350 रुपीज मैंने जमा कराया, जिसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट मेरे को मिल गया 87,46,912 रुपये का। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट अगर आप खोलना चाह रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से कर देंगे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देता हूं आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।